आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे मथुरा के स्पेशल पेड़े। हम एक ही मटेरियल से देखिए चार तरह के पेड़े बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये हम बनाएंगे चॉकलेट पेड़ा, नारियल पेड़ा, पिस्ता पेड़ा और बादाम पेड़ा। तो चार तरह के पेड़े एक ही मटेरियल से हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल मथुरा के पेड़े। फ्रेंड्स ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप पेड़े भी बना सकते हैं और आप इसी के मोदक भी बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसी रेसिपी से आप मोदक भी बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी क्विक रेसिपी मथुरा के फेमस पेड़े। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखते हैं इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम लेंगे एक कप खोया। ये खोया मैंने घर पे रेडी किया है कि घर का खोया सबसे बेस्ट होता है। बाजार के खोए में मीठा सोडा जो है मिक्स किया होता है, इसीलिए मैंने घर का खोया लिया है। तो इसी के साथ हम लेंगे आधी कटोरी पाउडर शुगर, 1 टेबलस्पून देसी घी। इसी के साथ हम लेंगे कुछ पिस्ता बारीक काटकर, बादाम 2 पीस मैंने इसमें कर लिए हैं। ये हम लेंगे कुछ टूटी फ्रूटी डेकोरेशन के लिए। इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ कोकोनट पाउडर। तो इन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं झटपट से तैयार होने वाले मथुरा के पेड़े। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप खोया, मैंने इसे कद्दूकस करके रख लिया था। फ्रेंड्स अगर आप खोए की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसे हल्का सा हमें गर्म करना है। मैंने खोए को कद्दूकस इसलिए किया है ताकि इसमें कोई भी ऐसा बड़ा पीस ना रह जाए जो कि हमारे पेड़े की लुक को खराब करे। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, खोया हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ घी। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे जस्ट थोड़ा सा गरम ही करना था। इस तरह से अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर और इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से हमें इसे मिक्स करना है। कोई भी इसमें शुगर के जो गुठलियां हैं वो नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से उसे मिक्स करना है। अब हम इसे गैस से उतार कर नीचे रखेंगे और इसे इस तरह से स्मूथ करने के लिए चलाते रहेंगे। ये हमें 2 मिनट तक इसी तरह से करना है। ये देखिए 2 मिनट तक मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें ऐसे हाथों से इस तरह से इसे ये देखिए इस तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम इतना लेंगे इस तरह से। ये पेड़े थोड़े चपटे होते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से गोल करके हमें सेंटर में से इस तरह से इसे प्रेस करना है और दूसरी तरफ भी सेंटर में हल्का सा हैंड देके इसे प्रेस करना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से बादाम की गिरी और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और एक प्लेट में प्लेस कर देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि खोया आपको कम क्वांटिटी में नहीं लेना,
पूरा भर के ऊपर तक कप हो खोए का। आप चाहें तो जो हमने शुगर पाउडर लिया था उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा तेज खाते हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, इवन हाफ तक भी कर सकते हैं। ये देखिए, फिर से मैंने इस तरह से हल्का सा फिंगर को लगाया और ये हमारी बादाम की गिरी रखकर हल्का सा इस तरह से प्रेस किया। देखिए कितना अच्छा इसका कलर शेप, ये देखिए। फिर से हम इसे प्लेट में प्लेस करेंगे। आज हम तीन तरह के पेड़े जो हैं बनाने जा रहे हैं। ये करीबन 12 पीसेस के करीब टोटल बनेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले अच्छी तरह से राउंड कर लें, फिर इसको एक फिंगर लेके सेंटर में हल्का सा प्रेस कर लें और इसी तरह से बादाम की गिरी लेकर इसमें लगा दें। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पेड़ा जो है वो बना है। इसे भी हम इसमें ही प्लेस करेंगे। अब हम दूसरे तरह के पेड़े बनाएंगे। इसे भी इसी तरह से गोल करेंगे, हल्का सा इस तरह से चपटा करेंगे और एक फिंगर यहाँ पर लगाएंगे, दूसरी तरफ भी इस तरह से। अब हम इसे जो हमने यहाँ पर कोकोनट पाउडर लिया था इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह से कोकोनट चारों तरफ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे टूटी फ्रूटी से। ये देखिए सेंटर में मैंने ये टूटी फ्रूटी प्लेस की है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये पेड़ा। ये देखिए ये हमारा तीसरा पेड़ा भी बिल्कुल रेडी है। इसे इसी तरह से कोकोनट के अंदर हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। यहीं पर हम एक फिंगर से इसे सेंटर में प्रेस करेंगे इस तरह से और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कोकोनट पेड़ा बहुत ही सुंदर रेडी है। इसके अंदर हम टूटी फ्रूटी लगा रहे हैं ताकि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव बन जाए। इसे भी हम अपनी प्लेट में इस तरह से प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा मटेरियल बच गया है उन्हें मैंने दो भागों में इस तरह से बांट लिया है। अब ये जो पार्ट है इसमें हम ऐड करेंगे लिक्विड कलर। ये देखिए इस तरह से ये लिक्विड ग्रीन कलर हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है। ये ग्रीन कलर पूरा इनमें मिक्स हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इसके तीन पार्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसका भी अच्छी तरह से एक रोल करके हम इसका भी एक रोल बनाएंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और एक फिंगर की हेल्प से इसे इस तरह से दोनों तरफ से हल्का हल्का होल करेंगे। अब इस होल में हमें फिल करना है हमारा पिस्ता। फ्रेंड्स, आपने देखा एक ही मटेरियल से हम कितने तरह के हमारे पेड़े बना रहे हैं। नवरात्रे आ रहे हैं और इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो हम व्रत में ना खा सकें। तो आप नवरात्रों के लिए स्पेशली इन्हें बनाइए इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा दूसरा पेड़ा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें भी हम हमारे पिस्ता की फिलिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे भी हम अपनी प्लेट में प्लेस करेंगे। जो हमारा
बच गया है उसका भी हम इसी तरह से पेड़ा बनाएंगे। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल बच गया है इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून ऑफ पीनट बटर। ये पीनट बटर मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर। फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद अब हम समझ ही गए होंगे आप कि हम क्या बनाने लगे हैं। तो लीजिए आपका एक और टाइप का पेड़ा बनकर तैयार हो रहा है जो कि बच्चों का फेवरेट है, चॉकलेट पेड़ा। इसे भी मैं इसी तरह से 3 भागों में बांट दूंगी। इसका भी हम रोल बनाएंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और फिर एक फिंगर की हेल्प से इसे यहाँ पर डीप करेंगे। मेरे पास यहाँ अमेरिकन चॉकलेट है, मैं इसमें फिल करूँगी इसे। आप चाहें तो इसमें मिल्की बार भी इस तरह से स्लाइस करने के बाद फिल कर सकते हैं। ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, टेस्ट में तो ये है ही यमी और कलर में भी बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स ये 4 तरह के पेड़े हमने एक ही मटेरियल से बनाए हैं और देखिए झटपट से तैयार हो गए हैं। कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें खोया ही घर पर बनाना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप खोए की रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में जाकर मैसेज कर दें तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूंगी। इस तरह से हमने हमारी ये वाली भी तैयार हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स ये करीबन 12 पेड़े हमारे इतने मटेरियल में बने हैं और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हमारे पेड़े हैं। 4 तरह के पेड़े आज हमने बनाए हैं। ये हमारे चॉकलेट पेड़े, कोकोनट पेड़े, पिस्ता पेड़ा और बादाम पेड़ा। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी इनका टेस्ट है। फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके ये पेड़े कैसे बने हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह से मेरी रेसिपी को सपोर्ट करते रहिए और मैं आगे आपके लिए नए से नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए मथुरा के सुप्रसिद्ध पेड़े।